हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंजना विद्यापीठ हेलो बायोलॉजी में। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ड चैप्टर को, जो कि एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की सबसे खास बात ये है कि ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, वो तो हम सबको पता है, लेकिन ये एक रूप चैप्टर है। हम बोल सकते हैं कि ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, क्योंकि जो बायोलॉजी है वो आखिरकार क्या है, वो स्टडी है लाइफ की। और इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि लाइफ क्या है, कितने विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको किस प्रकार क्लासिफाई किया गया है। तो ये चैप्टर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं लिविंग वर्ड। तो लिविंग वर्ड में जो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे बताई गई है, वो बताई गई है लाइफ के बारे में। लाइफ, क्योंकि अगर हम किसी चीज को लिविंग कहते हैं, जैसे हमें पता है कि पृथ्वी पर दो प्रकार की चीजें होती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। तो जो लिविंग है वो लिविंग क्यों है? क्यों? क्योंकि उसमें लाइफ है, और नॉन लिविंग में लाइफ नहीं है। तो यदि हम देखें कि बचपन से हम पढ़ते आए हैं, जब छोटे थे, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे कि सजीव और निर्जीव दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं इस धरती पर, लिविंग और नॉन लिविंग। तो ये दोनों जो वस्तुएं हैं, इनमें अंतर क्या है, इनके अंदर डिफरेंस क्या है? तो हम ये कहते थे कि जो लिविंग है उसमें एबिलिटी होती है कि वो मूव कर सकता है, वो ग्रो कर सकता है, उसमें इवोल्यूशन होता है, वो इवॉल्व हो सकता है। जबकि जो नॉन लिविंग है उसमें मूव की एबिलिटी नहीं है, वो खुद से नहीं चल के जा सकता, उसमें इवोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य थे जो हम बचपन में पढ़ा करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं से मतलब कि हम उन अंतरों को अगर ध्यान से देखें, तो आज के जमाने में वो अंतर हमें दिखाई नहीं देते। एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, हम नए जमाने में जी रहे हैं, टेस्ला ने सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना ली हैं, तो वो खुद से मूवमेंट कर रहे हैं, ऑटो पायलट मोड पर एरोप्लेन्स चल रहे हैं। ठीक है, और इतनी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि यदि हम उन चीजों को देखें तो वो जो डिफरेंस है वो हमें दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, एआई रोबोट्स आ गए हैं जो खुद से सारे काम कर सकते हैं, इंटेलिजेंस पावर हमसे ज्यादा है उनका। तो अगर हम उनको देखें तो हम आज के जमाने में लिविंग और नॉन लिविंग में इस प्रकार से डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग की, तो वहां पर एक डिफरेंस है, वो ये है कि लिविंग में लाइफ है, जीवन है, और नॉन लिविंग में लाइफ नहीं है। अब बात आती है कि ये लाइफ आखिरकार है क्या, वॉट इज लाइफ। ठीक है, तो लाइफ को अगर हम डिफाइन करना चाहें, या हम कहेंगे परिभाषित करना चाहें, तो इसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? देखिए, लाइफ लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स, लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, विच लीड्स टू ग्रोथ डेवलपमेंट, विच लीड्स टू ग्रोथ डेवलपमेंट रेस्पॉन्सिवनेस रेस्पॉन्सिवनेस एंड रिप्रोडक्शन। यहां पर कहने का अर्थ ये है कि अगर हम लाइफ को परिभाषित करना चाहें, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन लिविंग और लिविंग में डिफरेंस ये था कि वो मूव नहीं कर सकते थे, पहले हम कहते थे, लेकिन अब हम नए जमाने में जी रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आए दिन इंट्रोड्यूस हो रही है, हो पा रही है, तो नई नई तो उनमें मोबिलिटी की जो एबिलिटी है वो हमें देखने को मिलती है, या हम कहें कि इवोल्यूशन, तो
आप पुराने जमाने में जो कार्स थी उनको देखिए और आज के जमाने में जो कार्स हैं उनको देखिए। कार तो बस एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ, आप उन सब चीजों को कंपेयर करके देखिए तो जो पुराने जो डिफरेंस थे वो आपको नजर नहीं आएंगे। इसीलिए आज के हिसाब से अगर हम परिभाषित करें लाइफ को तो वो कुछ इस प्रकार है, लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिप्रेजेंट दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शंस व्हिच लीड टू ग्रोथ डेवलपमेंट रेस्पॉन्सिवनेस एंड रिप्रोडक्शन। कहने का सिंपली मतलब ये है कि लाइफ जो है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये खुद को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू, और इन केमिकल रिएक्शन से क्या होता है हमें ग्रोथ देखने को मिलती है एक ऑर्गेनिज्म में, डेवलपमेंट देखने को मिलता है, रेस्पॉन्सिवनेस होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से परिभाषित की गई है सिंपली कि लाइफ क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है केमिकल मॉलिक्यूल्स की, उन मॉलिक्यूल्स में आपस में इंटरेक्शन, वो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, और उन केमिकल रिएक्शन के रिजल्टेंट हमें क्या देखने को मिल रही है, ग्रोथ देखने को मिल रही है, रेस्पॉन्सिवनेस देखने को मिल रही है, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन, ठीक है। पर यदि मैं कहूं कि ये जो केमिकल रिएक्शंस है जिन्हें हम जो लिविंग में होती है उन्हें बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये केवल सिर्फ सेल में हो रही हैं, तो अगर हम कहें तो आंसर होगा नो। अगर हम सेम रिएक्शंस को टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करते हैं तो वो भी सेम रिएक्शंस हमें वहां पे देखने को मिलेगी, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो परिभाषा है ये एकदम परफेक्ट है? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन एक सेल में होती है वही केमिकल रिएक्शन हम आर्टिफिशियली टेस्ट ट्यूब में भी परफॉर्म कर सकते हैं। अंतर बस ये होगा कि ये इस टाइम पे हम इससे कह ये हम ये कह सकते हैं वो जो केमिकल रिएक्शन है वो बायोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है, पर हम उस टेस्ट ट्यूब को लाइफ नहीं कहेंगे जबकि हम सेल को लाइफ कहेंगे, ठीक है। तो इसको हमें समझना होगा। तो इसलिए अगर मैं कहूं कि ये परिभाषा एकदम परफेक्ट है तो ये परिभाषा एकदम परफेक्ट भी नहीं है। हाँ, समझने के लिए अच्छी है कि लाइफ को अगर हम डिफाइन कर सकते हैं तो कुछ इस प्रकार, पर ये एकदम परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। कहने का मतलब यहां पर सिर्फ एक कि जो लाइफ है उसे हम एक परिभाषा में बांध कर नहीं रख सकते, जीवन को हम एक परिभाषा के द्वारा एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये बात हमें समझनी होगी। तो अब आप सोचोगे कि अगर हम पुरानी डेफिनेशंस पर नहीं जा सकते, नई डेफिनेशन जो है वो भी एकदम परफेक्ट नहीं है, तो आखिर ये लाइफ क्या है? तो बच्चों इस चीज को समझो कि लाइफ जो है उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसे हम केवल कैरेक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। लाइफ में, जीवन में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ये जीवन है, ठीक है, और दूसरी चीज जो है उसमें जीवन नहीं है, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड, इट कैन ओनली कैरेक्टराइज। तो अब आते हैं उन कैरेक्टर्स पर कि लाइफ के अंदर वो कौन से कैरेक्टर्स होते हैं या वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जो हमें बताते हैं कि ये जीवन है और ये जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। तो चलिए जरा उन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं यहां पर। देखिए कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ, लाइफ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, डिफाइन शेप एंड साइज, ठीक है, यानी कि कोई भी लिविंग है उसमें एक डिफाइंड शेप होगी और एक डिफाइंड साइज होगा, ठीक है। दूसरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है,
तीसरा होता है रिप्रोडक्शन, फिर आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर आता है मेटाबॉलिज्म। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, एडेप्टेशन, इधर लिख लेते हैं एडेप्ट। इसके बाद आता है इवोल्यूशन, होम्योस्टेसिस, एजिंग एंड लास्ट डेथ, अंत, मृत्यु। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, देखो वो जो केमिकल रिएक्शन हो रहे थे उनके रिजल्टेंट हमें ये कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो बता जो अगर हमें दिखाई देते हैं एक सेल के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हम उसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उसे लाइफ कहते हैं, उसके यानी कि उसके अंदर लाइफ है, ठीक है। तो हम इन कैरेक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपकी समझ में आया हो कि लाइफ क्या है, लाइफ के कैरेक्टर्स क्या हैं। और तो एक बार रिवीजन करते हैं कि लाइफ क्या है। तो सिंपली डिफाइन कर सकते हैं लाइफ इज अ केमिकल, लाइफ इज अ केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन व्हिच लीड टू ग्रोथ, ग्रोथ डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस एंड रिप्रोडक्शन। तो ये तो थी डेफिनेशन, बट हमने क्या कहा था कि लाइफ किसी भी एक डेफिनेशन की बाउंड्री में बंध कर नहीं रह सकती, इसीलिए लाइफ को हम कभी भी परिभाषित नहीं कर सकते, उसको सिर्फ कैरेक्टराइज कर सकते हैं। और वो कैरेक्टर्स कुछ इस प्रकार हैं, डिफाइंड शेप, साइज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, एडेप्टेशन, एवोल्यूशन, होम्योस्टेसिस, एजिंग एंड डेथ। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।